जय बबरी साहब। तो आज है हमारा यात्रा का तीसरा दिन। हम सिरगढ़ से रवाना हुए थे और फिर हम पहुंचे सावलिया फाटा, जहां पर हमने होल्ड किया था, और आज सुबह वहां से रवाना हुए और अभी हम पहुंचे हैं सेतरावा में। तो सेतरावा में आए हैं अभी और यहां पर देख सकते हैं भंडारा है बहुत बड़ा। तो यहां पर थोड़ी देर करेंगे आराम, बहुत थक गए हैं। हमारे साथी गणों ने बहुत घिस दिया हमको, वो आगे चल रहे थे थोड़े, हम पीछे पीछे थे, लेकिन पकड़ लिया है हमने उनको। अब आराम करेंगे थोड़ी देर, घंटा भर। और हमारे साथ एक यात्री और चलते हुए जसोल से आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यात्रा में आकर? एकदम बढ़िया। तो ये है सेतरावा, यहाँ पर मंदिर है माजीसा का, भव्य मंदिर, बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है सेतरावा में माजीसा का मंदिर, जहाँ पर भंडारा लगता है हर साल लगता है, और हर साल हम यहाँ जरूर आते हैं। तो यहीं पर हमारे साथीगण रुके हुए हैं। तो सेतरावा से रवाना होने के बाद हम निकले थे असरलई के लिए, और अभी असरलई रहा है 3 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले आती है झोपड़ी, दर्जियों की झोपड़ी भी बोलते हैं उसे, जहाँ पर हर साल लगता है भंडारा, कई सालों से लग रहा है, और ये दर्जी समाज के द्वारा लगवाया जा रहा है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं हरियाली, इस बार काफ़ी अच्छी बारिश हुई है इस जगह पर, और बहुत सुंदर मौसम भी हो गया है, और बहुत सुंदरता बढ़ गई है इस ज़मीन की। ये देखिए चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली, और इस जगह पर भी चारों तरफ हरियाली है। एक टाइम था जब हम यहाँ पर आया करते थे, तब यहाँ पर सिर्फ धुरों, रेत के धुरों और आंकड़ों के अलावा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था, लेकिन ये देखिए एकदम हरा भरा हो गया है ये बंजर भाग। और ये सामने कुछ ही दूरी पर झोपड़ी है बाबा की, बाबा का मंदिर है रामदेव जी का, जहाँ पर हर साल भंडारा लगता है। दर्जी है एक, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनके द्वारा हर साल भंडारा लगाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है राम रसोड़ा, दर्जियों की झोपड़ी, बाबा की झोपड़ी। तो हमारे साथी गण वहाँ जिमण कर रहे हैं। तो अभी रुके हुए हैं बाबा की झोपड़ी। मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा सुहावना मौसम हो गया है, बारिश का मौसम हो चुका है, छींटे आ रही है थोड़ी थोड़ी। खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ऊंट वालिया रहा है 1 किलोमीटर, शहर आ चुका है सामने दिखाई दे रहा है। पीछे एक यात्री मिले थे जिनका नाम हिमाराम था, वो अपनी 8वीं पैदल यात्रा कर रहे हैं रामदेवरा के लिए, और वो भी बिना चप्पल के, क्योंकि उन्होंने 25 साल पहले ही अपने चप्पल त्याग दिए थे, उसके बाद चप्पल पहने ही नहीं हैं 25 सालों से, और वो आँखों से भी नहीं देख सकते। तो ऐसा मनोबल उनका बाबा के प्रति, ऐसा मनोबल कि वो आँखों से देख भी नहीं सकते और पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो भी बिना चप्पल के। तो ऐसा मनोबल हर किसी में नहीं होता है। मैं खुद को देखता हूँ तो भाई मेरे में भी इतना मनोबल नहीं है। उनकी यात्रा भगवान सफल करे। तो ये है ऊंटवालिया शहर या ऊंटवाड़िया, और यहाँ से दूरी है 6 किलोमीटर की चांदसमा की। तो आगे चांदसमा जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं चांदसमा, चांदसमा आ चुके हैं हम।
वीर शिरोमणि वीर दुर्गादास चांद समा, और ये है सामने लवा का रण। बोर्ड पे लिखा हुआ है 17 किलोमीटर, लेकिन ये 17 किलोमीटर नहीं है, 21 किलोमीटर है, लंबा रास्ता है। और यहाँ पर अगर भंडारे नहीं हो इस रास्ते पर, तो सच बताऊँ तो यहाँ पर ना तो पानी है, मतलब आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा, और लाइट भी नहीं है। अगर रात में जा रहे हो तो अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। ये तो खैर बाबा की मेहर है, जो भंडारे लगते हैं, और दो भंडारे लगते हैं यहाँ पर, दो भंडारे लगते हैं यहाँ पर इस रण में। एक तो 6 किलोमीटर के बाद आएगा पहला भंडारा, और दूसरा आएगा और 5-6 किलोमीटर जोड़ लो, मतलब 10-12 किलोमीटर के बाद दूसरा भंडारा, और नहीं निकल के 21 किलोमीटर चलना है इस पूरे रण में। तो ये एक डेंजर जोन भी बोल सकते हैं, और चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस खासकर इस रण में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पैदल यात्री अगर कोई भी जा रहा है इस रण से, जो रेगुलर जाता है उसको तो पता ही है इस रण की ये मिस्ट्री। हमारे साथ भी एक किस्सा हुआ था, हमारा एक दोस्त था, 8वीं फेरी थी 2021 की बात कर रहा हूँ, रात को उसका किसी ने फ़ोन उठा लिया, थोड़ी लापरवाही थी उसकी भी। तो ऐसी कुछ कहानी है इस रण की। थोड़ा ये पूरी यात्रा में ये रण मुश्किल होता है चलने के लिए, पैदल यात्री के लिए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं पैदल यात्रा के लिए। ये 20-21 किलोमीटर जितने भी है ये रण का रास्ता। तो अभी कितना मैं क्रॉस करूंगा देखते हैं, क्योंकि 6 तो अभी बज चुके हैं, लेकिन 6 किलोमीटर के बाद ही पहला आएगा भंडारा राम यशोड़ा। अगर ज़्यादा देर हो गई तो वहीं पर होल्ड कर देंगे, वरना बाबा ने चाहा तो और चलेंगे। तो अभी हम रुके हुए हैं लवा के एक भंडारे में, लवा रण के एक भंडारे में हम रुके हुए हैं, जो चांद समा से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज यहीं पर होल्ड किया है, कल सुबह यानी अभी थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद देखेंगे कहां पर जाना है।